यूपी के फतेहपुर जिले के थरियाओ थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय मासूम के साथ पड़ोस के युवक ने रेप की घटना को अंजाम देकर घटना स्थल से फरार हो गया। आपको बता दें, थाना क्षेत्र की गांव का रहने वाला जशवंत लोधी मासूम बच्ची को टॉफे दिलाने के बहाने साथ ले गया और गांव में बनी कोठरी में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया और घटना स्थल से फरार हो गया। बच्ची को ढूंढते हुए पहुंचे घर वालों ने बच्ची की हालत गंभीर देखते हुए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराते हुए इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में एसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि थरियाओं थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ गांव के युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया है, जो कि गांव के रिश्ते से बच्ची का चाचा लगता है। इस घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। जनपद फतेहपुर के थाना थरियाओं क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म उसी के रिश्ते में जो चाचा लगने वाला एक व्यक्ति है उसने किया है। नामजद आरोपी को तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है एवं उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल करा करके और उसके बयान अंकित किए जा रहे हैं। उम्र क्या होगी सर? पीड़िता की भी उम्र 5-6 वर्ष बताई जा रही है। भैया सीरी मंगाया उसके घर में होगा, होगी बिट्टी? देखो मम्मी, हमने अपने लड़के को भोजे, हम कहीं देख के आओ जसवंत के घर में है बिट्टी या नहीं है। तो वो गई तो दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद था, हमसे बताया कि मम्मी दरवाजा बंद है, अंदर से कुंडी लाग है। तो हमने गए, हम गए कुंडी क्यों लाग है, तो हम बोले उसको घोरा रहे पहले 5-6 जुबान, जसवंत जसवंत दीपिका हमारी बिट्टी को नाम लेके पुकार रहे थे, नहीं बोल रहा था। तो हमने कुंडी लगातार कई बार खड़बड़ाती रही, जब जाके मेरी का मुँह दबा कर रखा था बोलना नहीं। तब मेरी लड़की का जब मुँह खोला तो वो दासन में कांपती हुई वहाँ से निकली है, रोते रोते निकली। तब मैं अपने घर लाई तो मुझसे सब बात बता दी।